नमस्कार, मिथिला मस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। मिथिला मस्ट न्यूज़ लगातार आजकल आप देख रहे होंगे कि हम तमाम उन स्कूलों के प्राचार्य और निदेशक से मिलकर उनकी बातों को आप तक पहुंचा रहे हैं। सवाल सिर्फ यह है कि कोरोना संक्रमण के दौरान अगर कोई क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित हुआ है तो वो है शिक्षा से जुड़े स्कूल, कोचिंग क्लासेज और छात्र अभिभावक। हमारे साथ एंजल हाई स्कूल के प्राचार्य हैं सबिया खानम। आपका स्वागत है सबिया खानम हमारे साथ हैं। ये बताइए कि आप एक महिला प्राचार्य हैं, सबसे ज़्यादा महिलाओं को ही ज़्यादा कोरोना संक्रमण के दौरान इफेक्टिव होते हुए देखा हुआ है, क्योंकि उनके कंधों पर घर की जिम्मेवारी, परिवार की जिम्मेवारी और स्कूल के जो शिक्षक हैं, जो फोर्थ ग्रेड स्टाफ हैं, उनकी जिम्मेवारी सबको संभालते हुए कोरोना को एक चुनौती रूप में लेते हुए आपने काम किया। तो सबसे पहला सवाल ये कि किस तरह आपने अनुभव किया, इस पहला जो ये विपदा आई थी कैसा अनुभव किया आपने? ये कोरोना तो जैसा कि आपने कहा कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव इंस्टीट्यूशन हुआ है, उसमें हमारे टीचर्स, क्योंकि उनको लोड घर का भी था और प्लस स्कूल का भी, क्योंकि स्कूल में बच्चे पढ़ नहीं रहे थे तो उनको एजुकेशन देने के लिए ऑनलाइन क्लासेस भी करने पड़ते थे। इनकम नहीं, क्योंकि टीचर्स एक ऐसा विंग है वो एजुकेशन के अलावा और कुछ वो कर नहीं सकते। जो लोग एक्स्ट्रा हैं वो तो एक्स्ट्रा काम करके उन्होंने अपना दिनचर्या को चलाया, लेकिन टीचर्स क्या करते, उनकी सिचुएशन तो बहुत वर्स्ट है। और इसको समझने के लिए हमारे जो गार्जियन हैं वो भी समझने के लिए तैयार नहीं है। अब हमारे स्कूल में जब से स्कूल खुला है तो उसको फीस लेकर के प्रॉब्लम है, क्योंकि हम फीस नहीं देंगे। तो इनको ये नहीं समझ में आ रही है बात कि टीचर्स हमारे जो बच्चे के करियर को बनाते हैं, जिनका एक बहुत बड़ा रोल है बच्चे के करियर में, बच्चे के लाइफ को बनाने में, उनको डिसिप्लिन देने में, तो उनके बारे में भी उनको सोचना चाहिए। ये हमारी एक रिक्वेस्ट है उनसे कि हमारे गार्जियंस, सारे गार्जियंस ये सोचें कि हर कुछ नहीं, कुछ कट करते हुए हम टीचर्स के बारे में सोचें और स्कूल को फीस दें। इसके लिए हमारा स्कूल ने 50% का ऑफ दिया है बच्चों को, कि ड्यूरिंग कोरोना काल जो बच्चे क्लास नहीं जिन्होंने किया है, लेकिन क्लासेस तो चला है ऑनलाइन, टीचर्स ने तो एफर्ट लगाया है। अच्छा, आपने एक अनुभव किया होगा, पहली बार ये एक्सपेरिमेंट था ऑफलाइन का, और ये ऑफलाइन जो एक्सपेरिमेंट था वो अब कई स्कूल कोचिंग अब इसको अपनाने लगे हैं, उनको लगा कि एक अच्छा अनुभव हुआ, उसको कितना सार्थक मानते हैं इस ऑफलाइन को? देखिए, हमारे हिसाब से तो ये सार्थक नहीं, क्योंकि बहुत सारे गार्जियंस ऐसे हैं जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, तो वो उनको ऑपरेट करना भी नहीं आता। कुछ के पेरेंट्स जो हैं उनके फादर बाहर रहते हैं, मदर को आता नहीं है, छोटे बच्चे उसको ऑपरेट कर नहीं पाते हैं। बड़े बच्चे तो चलिए एनी हो कर लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चे के लिए ये कुछ प्रॉब्लम्स आई है, बहुत प्रॉब्लम्स आई है, तो वो उनके पेरेंट्स स्पेशली मदर को फेस करना पड़ता है। तो ये भी आपने महसूस किया होगा कि बच्चों में जब स्कूल खुला कोरोना के बाद, अब जो गाइडलाइन के अनुसार, तो उनके बिहेवियर में किस तरह का चेंज, क्योंकि आप एक महिला प्राचार्य हैं, अब ज़्यादा इस बातों को ध्यान, उनके बिहेवियर में चेंज आया है, उनके मेंटेलिटी में चेंज आया है, उनकी जो एक्टिविटीज, अदर एक्टिविटीज उसमें चेंज आया, कैसा अनुभव कर रहे हैं? नहीं, एक्टिविटीज़ में तो चेंज आई है, क्योंकि स्कूल जब बच्चे रेगुलर आते हैं तो उनमें डिसिप्लिन, रेगुलरिटी, जो उनके एक्टिविटीज़ हैं एक टाइम टेबल के हिसाब से चलता है। लेकिन घर पर केयर ज़्यादा तो होता नहीं है, क्योंकि कुछ जो गार्जियंस होते हैं, मम्मी उनकी वर्किंग होती है, उनको खाना बनाना पड़ता है, तो बच्चों पर इतना ध्यान नहीं देती हैं, तो उनकी एक्टिविटीज़ में तो चेंज होंगे ही, बहुत कुछ वायलेंसी भी हो जाती है, डिसिप्लिन में भी कमी हो जाती है। तो अब जब स्कूल खुला है हमारा, तो हम लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि प्रीवियसली जो बच्चे पढ़ाई किया उन्होंने, ये हम लोग एक समझ के चल रहे हैं कि नील, उसके लिए हम लोगों ने बहुत कुछ एफर्ट लगाया, हम लोगों ने टीचर्स की मीटिंग किया है और 2 मंथ्स प्रीवियस जो क्लासेस में जो उनका क्लास चला है, जो उनका सिलेबस है, उनको हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। मम्मी, एक चीज़ तो एक चैलेंज है, अभी भी चैलेंज है, क्योंकि एक साल कंप्लीट किताब से, स्कूल से,
दूर हो जाना बच्चों को, फिर उसको लगता है कि 3 महीना में तो आदमी को फिर से लगता है कि फिर से वो प्रारंभ करना पड़ेगा, तो आपको रिन्यूअल कराना है उन लोगों को फिर से कि किस तरह का पहले की पद्धति थी, क्वालिटी एजुकेशन है, डिसिप्लिन है, जैसे आपने कहा, इसके लिए क्या अपने स्टेप उठाए अपने स्कूल में? इसके लिए तो बस हम लोगों ने टीचर्स मीटिंग करके टीचर्स से रिक्वेस्ट किया है कि थोड़ा बच्चे तो वायलेंट होंगे ही क्योंकि डिसिप्लिन तो फुल्ली 1 ईयर उनका लॉस हो चुका है, तो थोड़ा पेशेंस से उनको रिकवर करवाना पड़ेगा और टाइम टू टाइम गार्जियंस से कांटेक्ट रखना पड़ेगा, फोनिक और व्हाट्सएप और मीटिंग करना पड़ेगा और उनका भी कोऑपरेशन लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि पेरेंट्स भी कोऑपरेट करेंगे तभी स्कूल कुछ कर पाएगी, क्योंकि टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, ये एक ट्रायंगल है, अगर ये तीनों एक साथ नहीं मिलेंगे तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। गार्जियन का फीडबैक आपको मिला होगा कोरोना समय के बाद में, फिर बहुत गार्जियन डर रहे होंगे कैसे हम भेजें अपने बच्चों को, क्या व्यवस्था है नहीं है, कहीं बच्चों को फिर अब फिर कोरोना का एक संकट घर आने लगा है, तो गार्जियन का फीडबैक क्या लगा आपको? नहीं, बहुत सारे गार्जियंस तो ठीक, अच्छा फीडबैक है, कुछ गार्जियंस हर जगह प्रॉब्लम करते हैं तो उनके लिए वो भी देख रहे हैं कि पूरा सैनिटाइजेशन का हर कुछ यहाँ है, एक हम लोगों ने एक टनल टाइप का बनाया है कि फुल्ली बॉडी सैनिटाइज हो जाए और आफ्टर एवरी मतलब एवरी क्लासेस जब ओवर होते हैं तो फुल हर क्लास को सैनिटाइज किया जाता है। हम बता दें हमारे साथ जो एंजल हाई स्कूल और बता दें एंजल गर्ल्स हाई स्कूल और इसके कई ब्रांचेज हैं बेनीपुर, दहेली, कई जगह इन्होंने अपना ब्रांच खोल करके वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को शिक्षित करना, क्वालिटी एजुकेशन देना, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में भी, अभिभावकों में भी एक सपना होता है, ये सपना सबको देखने का है, चाहे शहरी क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्र, तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या आपको प्रभाव मिला? ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे थे, अभिभावक थे, उनका कुछ अलग सोच होगा टाउन की अपेक्षा, तो आपने वहाँ क्या महसूस किया? टाउन की अपेक्षा तो वहाँ बहुत ज़्यादा है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के पेरेंट्स अब न्यू सेशन से ही वो अपने बच्चों को देना चाहते हैं और फीस का भी प्रॉब्लम है, वो समझना ही नहीं चाहते कि टीचर्स भी इफेक्टिव हैं, कुछ उसमें भी हैं अच्छे लेकिन इन कंपैरिजन टू दरभंगा सिटी, तो वहाँ के पेरेंट्स थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट तो कर रहे हैं लेकिन हम लोगों को उनको भी समझाना है, समझा रहे हैं, तो अब देखिए। हमें लगता है कि आप लोगों के सामने जो चैलेंज है रखी हुई कि जैसे टीचर्स को आपको पूरे टाइमलाइन पे लाना पड़ेगा क्योंकि वो भी तो बाहर ही ऑफलाइन में रहे, तो गार्जियन को भी टाइमलाइन पे लाना पड़ेगा, इस दोनों के बीच एक सेतु का काम करते हुए नए सेशन की तैयारी करना है, ऊपर से कोरोना संकट का एक बार फिर से गहराने लगा है और ऐसे में कई स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने पूरी तरह मापदंड को ताक पर रख दिया है, अगर एक स्कूल में भी एक भी बच्चों में पॉजिटिव होता है तो एक बार फिर माहौल खराब होगा, बच्चे फिर वापस चले जाएंगे, तो ऐसी परिस्थिति में किस तरह इस नया जो गाइडलाइन आया है उसमें अप्रैल से आप लोगों ने जूनियर क्लास के बच्चों के भी खोलने की तैयारी शुरू कर दी है, तो किस तरह की आपके स्कूल प्रीमिसेस में तैयारी की जा रही है, कैसे गार्जियन समझ सके हमारा बच्चा अगर एंजल हाई स्कूल में जाए तो सुरक्षित हो पूरा गाइडलाइन? तो फल इससे पहले तो मैंने आपको कहा कि फुल बॉडी सैनिटाइजेशन, उसके बाद जो भी बच्चे आते हैं उनको टेम्परेचर मेजर किया जाता है, अगर किसी का टेम्परेचर है तो उनको वहीं से रिटर्न कर देते हैं, क्लासेस फुल सैनिटाइज, डिस्टेंस मेंटेन करवाते हैं एंड मास्क इज मस्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, सोप का यूज हो रहा है, टीचर्स क्लासेस में जा रहे हैं वो भी मास्क लगा करके, इट इज़ कंपल्सरी फॉर देम, तो ये सब हम लोग प्रिकॉशंस ले रहे हैं। अब सेशन प्रारंभ हो रहा है तो नए सेशन में आप गार्जियन को किस तरह का ऑफर दे रहे हैं? ये तो हमको लगता है कि कुछ ऑफर इसके लिए भी होना चाहिए कि जो कोरोना संकट से जूझ रहे हैं कहीं से, आपके पास तो फीडबैक होगा ही गार्जियनों का कि कौन काफ़ी ज़्यादा वीक हैं, कोई देने लायक नहीं है, तो उन लोगों के लिए भी आपने कुछ किया है या किस तरह? नहीं, ये तो हमने किया है, प्रीवियस ईयर का भी 50% हम ले रहे हैं बच्चों से, गार्जियन से ले रहे हैं 50%, फुल परसेंट नहीं लिया गया क्योंकि उन लोगों के भी प्रॉब्लम को देखते हुए एंजल हाई स्कूल ने ये स्टेप लिया है कि उनको 50% ही पेमेंट किया जाए और इस सेशन के लिए 75% एडमिशन में हमने ऑफर दिया है, 75% ऑफर दिया है कि लेस
75% लेस करना, यानी कि 25% ही गार्जियन को पे करना बस नए सेशन, न्यू सेशन। तो ये हमें लगता है कि बहुत बड़ा इनिशिएटिव है अभिभावकों के मन को शांत करने के लिए। लेकिन अभिभावकों को भी ये समझना चाहिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर चलता है तो उसमें कई स्टाफ्स होते हैं, फोर्थ ग्रेड होते हैं जो, और शिक्षक होते हैं, उनका भी परिवार है, उनका भी बच्चा है, उनका भी सिस्टम को चलाने के लिए ये आवश्यक है। इसमें अगर स्कूल इस तरह के इनिशिएटिव लेती है तो हमें लगता है कि ये आपके हित में है, क्योंकि शिक्षकों को चाहिए अगर सही समय पर पेमेंट मिलता है तो अच्छे क्वालिटी एजुकेशन सब आपके ही बच्चों को पढ़ा पाएंगे। अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे आप उन तमाम दरभंगा वासियों को? मैं सारे दरभंगा वासियों को और स्पेशली पेरेंट्स को ये संदेश देना चाहती हूँ कि वो भी शिक्षकों के बारे में सोचें और सारे स्कूल्स को पेमेंट करें, स्लैब में ही क्यों नहीं हो उनको दें, क्योंकि इंस्टीट्यूशन भी उन्हीं के पैसों में से चलता है, क्योंकि ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है और बच्चे पढ़ेंगे टीचर तो उनको पढ़ाएंगे ही, और टीचर्स का घर भी चलता है उन्हीं के कॉपरेशन से। तो जस्ट आई वांट टू रिक्वेस्ट ऑल द गार्जियंस, ऑल द पेरेंट्स कि आप स्कूल को कॉपरेट करें, क्योंकि आप इससे आप टीचर्स को कॉपरेट कर रहे हैं, क्योंकि टीचर्स टोटली आप पर डिपेंड है। थैंक यू। तो निश्चित तौर पर हम आपको बता दें, फिर हम अगले स्टेप आपको दिखाएंगे। सवाल सिर्फ एक है, कोरोना संक्रमण से जूझते रहे शिक्षा क्षेत्र को और मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि आपका सपना बच्चों पर ही है, बच्चों के कैरियर पर ही है, बच्चों के एजुकेशन पर ही है, जिसके लिए आप बहुत कुछ त्याग करते आए हैं पूर्व में भी और आगे भी आपको करना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में स्कूल को मदद करना और स्कूल के कंधों पर भी दायित्व है कि पूरी तरह कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए बच्चों को एक बार फिर उसी टाइमलाइन पर लाना जो पहले कार्यरत थे, उनके अंदर डिसिप्लिन, उनके अंदर जो एक अवेयरनेस प्रोग्राम है उसे करके, खासकर शिक्षकों को भी टाइमलाइन पर लाना पड़ेगा, क्योंकि एक साल लगभग वो भी टाइमलाइन से ऊपर हट चुके हैं, उनके अंदर भी कई तरह के एक्टिविटीज़ आ चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में स्कूल के स्कूल मैनेजमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है अपने ऑर्गेनाइजेशन को पूरी क्वालिटी एजुकेशन के साथ चलाने का, जिसमें एंजल हाई स्कूल और एंजल गर्ल्स हाई स्कूल के जो निर्देशक हैं उमर अली खान, वो लगातार लगे भी रहे हैं, वो खुद कई जगह जाकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में कार्य करते हैं, और यहाँ जो प्राचार्य हैं सबिया खानम जी, जो प्राचार्य हैं वो खुद लगी रहती हैं। खासकर एक महिला के रूप में उन्होंने जो दायित्व संभाला है, निश्चित तौर पर छात्रों के कैरियर के लिए बेहतर होगा। धन्यवाद। थैंक यू।